हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बनाते हैं वेजिटेबल तहरी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत जल्दी बन जाती है। मैंने इसमें कम वेजिटेबल डाले हैं, आप अपने अनुसार डालिए। चलिए इसके लिए लेते हैं एक कटोरी बासमती चावल, फूल गोभी, गाजर, बीन्स और मसाले। मैंने टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। चलिए अब रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने तेज फ्लेम पे गरम कर लिया है, फिर मैंने मीडियम कर दी है। इसमें डाल रही हूँ मैं एक चम्मच देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं या दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। फिर मैंने डाला था एक चम्मच जीरा, तेज पत्ता, और फिर मैं डाल रही हूँ कटी हुई छोटी छोटी टुकड़े गाजर के। मैं इसमें प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। फिर मैंने डाला है फूल गोभी, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर मैंने डाले हैं छोटे छोटे आलू के टुकड़े, एक आलू डाला है मैंने। फिर मैं डाल रही हूँ बीन्स, ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चे बहुत आराम से खा लेंगे वेजिटेबल्स को चावल के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ हल्दी आधी चम्मच। मैंने डाली है एक लाल मिर्च पिसी हुई, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, 6 से 7 काली मिर्ची और 3 दालचीनी की डंडी, 2 हरी मिर्ची। इनको अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम आंच पर। देखिए फिर मैंने डाला है टमाटर। टमाटर भी बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, खाने में भी अच्छा लगता है। इससे तहरी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम आँच पर। अब आप अपने अकॉर्डिंग भी और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। फिर मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार, आप इसमें वेजिटेबल्स और भी डाल सकते हैं जो आपको सीजनली मिल जाए। फिर मैंने डाला है गरम मसाला, ये बहुत कम समय बनती है, कम से कम बन जाती है 45 मिनट के अंदर बन जाती है, चलते फिरते बन जाती है। फिर मैंने डाला है 2 गिलास पानी, ये बच्चों के आप लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं और काम भी करते जाइए और तहरी भी बनाते जाइए। देखिए ये मैंने चावल आधे घंटे भिगो दिए थे, इससे काफ़ी अच्छा फूल गया है चावल। बासमती चावल बहुत ही टेस्टी लगता है, आप चाहें तो और कोई भी चावल ले सकते हैं दूसरा जो आपके पास अवेलेबल हो, उसमें से भी आप बना सकते हैं। हम अगर उसको लेकिन फुला दीजिए, उससे तहरी क्या है बहुत अच्छी बनेगी। फिर मैंने डाला धनिया, धनिया बनते में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। चलिए अब मैंने मीडियम आंच करके इसको ढक दिया, मीडियम आंच करके इसको मैंने ढक दिया है। देखिए कितनी अच्छी ये तहरी बन गई है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइए आपको इस ये रेसिपी कैसी लगी तहरी की, और कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप अपने बच्चों को भी खिलाइए, बच्चे बहुत टेस्टी शौक़ से खाएंगे इसको। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बनाकर ज़रूर देखिए। और दही के साथ या रायते के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने